पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अमन पैलेस मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट की एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कार्यवाहक जिलाध्यक्ष मोहम्मद याकूब एडवोकेट ने बताया कि पूर्व उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री डॉक्टर मोहम्मद रिजवान की निष्ठा और समर्पण संगठन के प्रति ईमानदारी को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप ने डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को नया राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ये जानकर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में हर्ष है। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने फूलमाला पहनाकर पुष्प वर्षा कर राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत किया। मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने कहा कि कुछ लोग भारतीय किसान यूनियन भानु गुट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, भानु गुट के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं और अधिकारियों और पदाधिकारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस दौरान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि पदाधिकारियों और अधिकारियों का कोई भी शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने राष्ट्रीय महासचिव का पद से नवाजा है और उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। मैं उनका जो है बहुत दिल से आभारी और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं सभी किसान के जितने भी किसान में क्षेत्र में किसान हैं उनका मैं आभारी हूँ और उनके सभी जो कामों को लेकर भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले जी और जान से ताकत लगा दूंगा और मैं उनके हक में लड़ूंगा। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपने भाइयों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ईमानदारी से काम करूँगा, पूरी लगन से काम करूँगा, मैं किसानों के हित में काम करूँगा, किसानों की मांगों को लेकर लड़ूंगा अधिकारी शासन प्रशासन से। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।